हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फेजियोला हिपेटिका का जीवन चक्र है वो देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फेजियोला हिपेटिका के जीवन चक्र की अगर बात करें तो यह डाइजेनेटिक होता है, क्योंकि यह दो होस्ट में पूर्ण होता है, जहाँ पहला होस्ट भेड़ और दूसरा होस्ट घोंघा होता है, जिसे पाइला भी कहते हैं। फेजियोला हिपेटिका के जीवन चक्र का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा करेंगे: संयुग्मन, निषेचन, संपुट निर्माण, क्लीवेज और डिवीजन, मीरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडियल लार्वा, सरसेरिया लार्वा, मेटासरसेरिया लार्वा, प्राथमिक होस्ट में इन्फेक्शन। संयुग्मन की अगर बात करें तो दो सदस्यों का आपस में संभोग के लिए मिलना या एक होना संयुग्मन कहलाता है, या भेड़ की पित्तवाहिनी में रहता है। निषेचन, इसका का निषेचन में देखें तो इसका अर्थ मादा और नर गैमिट्स का संयोजन होता है, यह आंतरिक व संकर प्रकार का होता है और अंडवाहिनी में होता है, परिणाम स्वरूप कई निषेचित अंडों का निर्माण होता है। संपुट निर्माण, तीसरा जो है संपुट निर्माण या निषेचन के ठीक बाद ही होता है। इस विधि में हर एक निषेचित अंड या जाइगोट अंडपित्त थैली के द्वारा घिर जाते हैं, जो कि अंडपित्त और कवच पदार्थ देता है। अब निषेचित अंड या जाइगोट कवच युक्त हो जाता है, जिसे संपुट कहते हैं। क्लीवेज और डिवीजन, ये चौथा चरण है। यह विभाजन या भ्रूणीय विकास की एक विधि का प्रकार है। जब संपुट गर्भाशय में स्थिर रहता है तब यह होलोब्लास्टिक और असमान प्रकार का होता है, परिणाम स्वरूप एक बड़े सोमैटिक कोशिका और एक छोटी प्रोपेगेटरी कोशिका बनती है। सोमैटिक कोशिका लार्वा एक्टोडर्म और उत्तकों को देता है, जबकि प्रोपेगेटोरी कोशिका, जिसमें से एक पुत्री कोशिका लार्वल बॉडी को जन्म देती है और बाकी एक जर्म कोशिकाओं का ढेर प्रदान करती है। अब पांचवा हेडिंग में आते हैं, जो कि है मीरासीडियम लार्वा। फेजियोला हिपेटिका के जीवन चक्र का ये पहला लार्वल स्टेज है। संयुग्मिक भ्रूण से 4 से 15 दिनों में इसका निर्माण होता है। यह अंडे से बाहर निकलकर जल में तैरता है। मीरासीडियम करीब 0.07 mm लंबा अंडाकृत और सिलिएटेड लार्वा होता है। इसका एंटीरियर इंड इसके पोस्टेरियर इंड से व्यापक होता है और एक नॉन सिलिएटेड एपिकल रखता है। फ्रेंड्स, इसका डायग्राम देख लें आप, मीरासीडियम लार्वा का। ये जो ऊपर का है एपिकल पैपिला कहते हैं उससे, साइड में सिलिया है, जो बीच में है वो आइस बॉट है, और जो ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन सा बना हुआ है उसे एपिडर्मल प्लेट्स कहते हैं। अब छठवें हेडिंग्स पे आते हैं, जो कि है स्पोरोसिस्ट लार्वा। यह फेजियोला हिपेटिका के जीवन चक्र का द्वितीय लार्वल स्टेज है, जो दिखने में लंबे बोरे के समान होता है तथा 0.7 एम लेंथ रखता है। सिलिएटेड एपिडर्मल प्लेट को छोड़कर इसका बॉडी वॉल मीरासीडियम लार्वा के बॉडी वॉल के समान होता है। यह लार्वा घोंघे के पेशी के अंदर उपस्थित रहता है। इसमें ग्रंथियां, मस्तिष्क, आंखें और एपिकल पैपिला अनुपस्थित होता है। स्पोरोसिस्ट घोंघे के उत्तक में तरल पोषक पाकर गति करता है और इसके जीवाणु गेंद अगले लार्वल जेनरेशन के रूप में विकसित होता है, जिसे रेडाई सिंगुलर रेडिया कहते हैं। करीब 5 से 8 रेडिया का निर्माण हर एक स्पोरोसिस्ट में होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पोरोसिस्ट लार्वा का फिगर या डायग्राम देख लें आप। देखिए, वॉल ऑफ बॉडी, जर्म सेल,
जो बीच में जो ऊपर में बॉल सा बनाया है उसको जर्म सेल कहते हैं, और ये जो साइड साइड से लाइन दी गई है उसे फ्रेम सेल कहते हैं, और ये जो बीच में गैप है इस साइड में उसे बर्थ पोर कहते हैं, और जो बीच में ये जो बन रहा है ना उसे रेडियल लार्वा कहते हैं, और जो साइड में है उसे क्यूटिकल कहते हैं। इस प्रोसेस्ड लार्वा का ये डायग्राम हो गया। अब फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम जो ये जो इसका जो पार्ट सेकंड लेकर आएंगे उसमें हम रेडियल लार्वा से फिर से बताना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए बाय। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।